गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास से बेटा आपने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक मेजरमेंट, ठीक है ना? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम मैकेनिक्स में जाएंगे बेटा। मेजरमेंट में हम दो तरह के मेजरमेंट या तीन टाइप के मेजरमेंट की बात करेंगे, मास मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट और टाइम मेजरमेंट, ठीक है? टाइम और मास का मेजरमेंट ज्यादा वो नहीं है, इजी हम मेजर कर लेते हैं। अपने कोर्स में जो है वो दो मेजरमेंट जो है वो लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट और स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट है। लार्ज डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो पैरेलैक्स मेथड से किया जाता है। कौन से मेथड से किया जाता है बेटा? पैरेलैक्स मेथड बहुत आसान मेथड होता है और इजी भी होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि आप एक वॉल के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हो, पॉइंट फिक्स कर देते हो और उसके सामने पेंसिल रखते हो। उस पॉइंट के जस्ट सामने आप पेंसिल रखते हो और फिर एक बार उसको अपनी लेफ्ट आई से देखते हो, राइट आई क्लोज करके, फिर लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से देखते हो, तो आपको ऐसा फील होता है या ऐसा हमें फील होता है कि उस पॉइंट की जो पोजीशन है पेंसिल के रिस्पेक्ट में चेंज होते हुए फील होती है। उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो पेंसिल के रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि उसकी पोजीशन बार बार चेंज होती है, इसे पैरेलैक्स बोला जाता है। इस मेथड को क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स मेथड, ठीक है? और इस मेथड की सहायता से, इस पैरेलैक्स मेथड की सहायता से हम लार्ज डिस्टेंस लाइक प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, मून का डायमीटर मेजर कर लेते हैं, सन का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज हम मेजर करते हैं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो पहले अपन मेथड देखेंगे, इजी मेथड है, देखो पैरेलैक्स मेथड बहुत इजी है। कैसे लिखना है, क्या करना है, देखो वी कंसीडर, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूं, हम लिख लो वी कंसीडर ए पॉइंट ऑन वॉल एंड put a pencil, in front of point, point के सामने just pencil रखते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अपन उसको देखते हैं, then we see the point by left eye closing right eye, then we see the point by right eye closing left eye, ठीक है? एक बार आपने राइट आई से देखा लेफ्ट आई क्लोज करके, एक बार लेफ्ट आई से देखा राइट आई क्लोज करके, देन आपने देखा कि जो पॉइंट की पोजीशन है वो चेंज होती हुई फील होती है, then we feel the position of pencil, sorry, position of point will be changed with respect to pencil. This method is called parallax method. इस method को हम बोलेंगे parallax method. दोनों eyes के बीच के distance between eyes जो है ना उसको base बोला जाता है. Distance between eyes, इस केस में जो डिस्टेंस आईज के बीच की उसको हम बोलेंगे बेस डिस्टेंस, और उस पॉइंट से जो एंगल बन रहे, दोनों आईज से जो एंगल बन रहे होते हैं उसको बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। इसे क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स एंगल। अब देखो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। देखो आपने सपोज यहां सन कंसिडर किया, यहां सन और यहां पे आपकी अर्थ, ये आपकी क्या है? अर्थ,
मैं बोलूं आपके डायमीटर के अक्रॉस दो पॉइंट कंसीडर कर लिए या कहीं से भी दो पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट जो सन को एक साथ देखा आपने, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी जो मुझे मेजर करनी है और डायमीटर जो है उसको स्मॉल बी से डिनोट कर लिया, और ये जो एंगल है थीटा इसको पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं, पैरेलेक्स एंगल, ये आपका एंगल है थीटा, इसको अपन क्या बोलेंगे थीटा। अब मुझे ये थीटा मैंने मेजर कर लिया, ये मुझे डायमीटर जो है वो पहले से पता है, मुझे कैपिटल डी मेजर करना है। इसमें कंडीशन कि डी की जो वैल्यू है, सिंस डी इज ग्रेटर देन स्मॉल बी, डी की वैल्यू स्मॉल बी से बहुत बड़ी होती है, डी की वैल्यू स्मॉल बी से बहुत बड़ी होती है, उस केस में हम इसको एक सर्कल से काटा हुआ आर्क मान लेते हैं, इसको सर्कल से काटा हुआ आर्क मान लेते हैं, ये आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये अपना आर्क एंगल, देन उस कंडीशन में आर्क एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, आर्क एंगल जो है उसका फॉर्मूला होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे, आर्क लेंथ को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और रेडियस आपका कैपिटल डी। मुझे थीटा और डी पता है और कैपिटल डी मेजर करना है, तो कैपिटल डी इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इस मेथड से हम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मेजर कर लेते हैं, और इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब डी बी से बहुत बड़ा हो तो इसको हम एक सर्कल से काटा हुआ आर्क मान लेंगे जिसकी लेंथ स्मॉल बी, रेडियस कैपिटल डी और आर्क एंगल थीटा होगा, उस रिलेशन से अपन कैपिटल डी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे आपको मून का डायमीटर फाइंड आउट करना हो, बुक में दिया हुआ है कि सपोज मून का डायमीटर फाइंड आउट करना हो इस मेथड से, तो क्या करना होगा, देखो मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, मून के ऊपर दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और दोनों पॉइंट से अर्थ पर किसी पॉइंट को एक साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका मेजरमेंट है डायमीटर ऑफ मून, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज ये आपका मून है, इसका हमने मून बोला, और ये जो डायमीटर है इसको स्मॉल डी से डिनोट कर दिया हमने, आपको स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट से आर्क पर किसी पॉइंट को एक साथ, ये आपकी आर्क है यहाँ, ये जो पॉइंट है इसको एक साथ देखोगे आप इधर से भी और इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून और ये आपका आर्क एंगल है, आपको एक्चुअल में स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन वैसे ही कुछ है, उसमें आपको स्मॉल कैपिटल डी फाइंड आउट करना था, ये गिवन था, अब इसमें आपको ये कैपिटल डी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून आपको गिवन है, ठीक है, और ये अल्फा आप मेजर कर लेते हो और आपको स्मॉल डी मेजर करना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा इसी कांसेप्ट के हिसाब से, आर्क एंगल अल्फा, आर्क लेंथ आपके स्मॉल डी और कैपिटल डी भी आपके रेडियस होगी। इस कंडीशन में भी वही है कि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, इसने इस बार इसको बेस को जो है डायमीटर उसको बी की बजाय स्मॉल डी से डिनोट कर लिया। अब आपको स्मॉल डी मेजर करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी इक्वल्स टू अल्फा कैपिटल डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर ऑफ मून, अल्फा आपका पैरेलेक्स एंगल हो गया, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको दो टॉपिक या इसमें दो टॉपिक हमने सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकाल यूजिंग पैरेलेक्स मेथड, दूसरे केस में हमने डायमीटर ऑफ मून फाइंड आउट कर लिया यूजिंग पैरेलेक्स मेथड, दोनों मेथड सिंपल है, इजी, ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद अपन स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, समझ ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि भाई डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है और यह आपका सन है, ये अल्फा आपको गिवन है या थीटा से डिनोट कर लो, थीटा आपको गिवन है 1 degree 54 arc minute, कैपिटल डी आपको मेजर करना है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और अर्थ की जो डायमीटर है जिसको मैं स्मॉल बी से डिनोट करता हूँ, स्मॉल बी की वैल्यू आपको पता है रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई 6400 मल्टीप्लाई 10^3 मीटर, इस तरह से लिखना है, ये आपको की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आपके पास है 1 degree 54 arc, पक्का आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, चाहे डिग्री में हो चाहे आर्क मिनट आर सेकंड, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद हम ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू
1 डिग्री प्लस 54 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट का एक डिग्री होता है, तो 54 आर्क मिनट में कितना डिग्री होगा बेटा? 54 अपॉन 60 डिग्री। इसको सिंपलीफाई कर लो, इसको काट लो, 6 से काट लो, 6 9 जा 54, 6 10 जा 16, ये 1 प्लस 9 बाय 10, तो ये हो गया 19 बाय 10 डिग्री, ये टोटल डिग्री आ गया। अब इस 19 बाय 10 को, 19 बाय 10 को किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो 19 by 10 multiply pi upon 180, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए pi upon 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, pi के वैल्यू 3.14 पुट करनी है, तो ये आपके पास टोटल रेडियन एंगल आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, डायमीटर ऑफ सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड अर्थ कैलकुलेट करनी है, तो d का फॉर्मूला था b upon थीटा, b आपने देखा 2 × 6 × 400 × 10³, यही डिस्टेंस थी, अपॉन थीटा के वैल्यू 19 पाई अपॉन 10 मल्टीप्लाई 180 1800, ये मीटर में आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी पाई की जगह 3.14 पुट करना, 1800 ऊपर चल जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो मीटर में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाने का कांसेप्ट क्या था कि ये जो आपको एंगल गिवन है इसको आपको कन्वर्ट करना है, डिग्री में हो आर्क मिनट और आर्क सेकंड हो, उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो वैल्यू यहां पुट करनी है, ठीक है बेटा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।